Justin Dami, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's, and the bitch deserve it, put in work for. Hey, yo, good morning guys, कैसे आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। दो दिन हो गए जिम गए हुए, नहीं गए हैं, कोई नहीं, आज भी नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देने का मीनिंग है। बट कैलरीज बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर रहा हूँ, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कैलरीज ऑलरेडी बर्न हो रही हैं। तो कल भी मेरी 1000 प्लस कैलरीज बर्न हुई थी, क्योंकि लाइक जिस टाइम हम क्लब गए थे तब भी मैं 2.7 किलोमीटर वॉक करके गया था, 2.7 किलोमीटर वॉक करके वापस आया, पूरा दिन घूमा, तो मतलब लाइक कल तो 10 किलोमीटर मुझे लगता है कि मैंने वॉक किया होगा। तो बड़े आराम से मेरी 1000 कैलोरीज बर्न हुई थी, मेरी एप्पल वॉच में 1000 कैलोरीज बर्न दिखा रहा था। तो अभी आज है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का टूर, और आज सेंटोसा आइलैंड जाना है, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा टाइम मिला हुआ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग में इवनिंग में जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं देख रहा हूँ यार, एक आधी कीबोर्ड वीबोर्ड देख लूँ, थोड़ा सा रेट सही लग रहा था, और हेडफोन देख लूँ, अगर रेट सही मिल गया तो उठा लूँगा, नहीं मिला तो नहीं लूँगा, ठीक है, पॉइंट इज दैट। और अगर मिल गया तो ठीक है, ले लेंगे, क्या इशू है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास हाफ एन आवर, तो मैं सोच रहा हूँ स्विमिंग करी ऊपर जाके, तो मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर हाफ एन आवर स्विमिंग करता हूँ और देन वापस चलते हैं, फिर रेडी होके 12:30 निकलना भी है हमें लंच के लिए, और लंच के बाद सेंटोसा आइलैंड, तो चलते हैं सेंटोसा आइलैंड, तो आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। रात को पार्टी, आज पार्टी पक्का ही होगी, आज कुछ भी हो जाए साला सब चीज़ ले जाऊँगा, पासपोर्ट हर एक चीज़ ले जाऊँगा, पर आज पार्टी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी चलते हैं स्विमिंग करते हैं, मैं फ़ोन से थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आपको, तो क्या ही दिखाऊंगा स्विमिंग में, बट चलते हैं और लेट्स गो। स्विमिंग पूल विमिंग पूल आ गए हैं, नहाने लग रहे भाई, मतलब कुछ भाई पानी इतना फ्रेश ना, तो ये वाला पानी है ना, पीने लायक पानी है, ऐसा पानी है, मतलब क्लोरीन व्लोरिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ना कि हाँ बढ़िया है, बिल्कुल मज़ेदार है। तो वही वाला पानी यार, अपना आईफोन ना डालना बेचारा पानी के अंदर ना, क्योंकि ख़राब हो रहा है मुझे, पर कर देगा ना टेस्टिंग कर देगा इसकी, मुझे ख़राब हो गया ना मेरे बड़े दुख हो जाएगा कसम से, कोई चेंज तो करना ही है, पानी के अंदर डालते हैं, अभी वीडियो देखते पानी के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी, अभी तो आवाज़ भी नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से मेरी, तो क्योंकि वो माइक में पानी चला रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मतलब फ़ोन के लिए नहीं तो ये मरमुरा गया ना, तब मेरे को एक आधा हफ्ता और चलाना है भाई ये फ़ोन, दिक्कत हो जाएगी, दूसरा फ़ोन भी मंगाई लिया तो क्या आ गई है, तो थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि बाद में जाने वो आज मैंने बताया था आपको, उससे पहले मैं ब्रेक डिनर लंच करने जाना है, ब्रेकफास्ट हो गया, आज ब्रेकफास्ट में दिखाई क्या चालू को ब्रेकफास्ट देख, फिर ढंग का खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे ना इंडियन का, कि मज़ा आ जाए जो खा के वो नहीं मिल पा रहा है, सोचा फोटो डाली है इंस्टाग्राम पे, जाकर लाइक कर लिया, इंस्टाग्राम देख ही जाते हैं, ब्लॉग लेट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पहले अपडेट हो चुका है, जाकर देखो इंस्टाग्राम। भाई स्विमिंग वुमिंग करके आ गए, अब जा रहे हैं फटाफट रेडी होने, रेडी होके नहा धो के अब ना चलते हैं नीचे, ब्लैक टी शर्ट ही पहन रहा हूँ आज मॉर्निंग में, और नाइट में कुछ और पहनूंगा, तो ब्लैक टी शर्ट में, क्योंकि फोटोज़ मैंने एक भी नहीं क्लिक करवाई, तो ब्लैक टी शर्ट एंड देन रात को कुछ और, तो कई सारी पिक्चर्स हो जाएंगी तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, और फटाफट नहा के और हम रेडी होके चलते, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट रन कर रहा हूँ, बस ना छूट जाए बस। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं सेंटोसा आइलैंड के लिए, पहले ब्रेक लंच करेंगे देन सेंटोसा आइलैंड जाएंगे, लिफ्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हुआ एज ऑलवेज, तो फटाफट चलते कैच करते बस को, वरना वॉकिंग जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट यहाँ से 900 मीटर से, कोई बड़ी बात नहीं बट थका हुआ। Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh, right beside me, in the Phantom. So finally we have reached to cable cards, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए, वो है केबल कार्ड्स, तो केबल कार्ड से हम जाएंगे सेंटोसा आइलैंड, और ये बहुत लंबी केबल कार्ड्स हैं, मतलब बहुत काफ़ी लंबी है, और सिर्फ एक ही रास्ता है केबल कार्ड्स से जाने का, तो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा मतलब व्यू आता है, पूरी सिटी का व्यू आता है ऊपर से, कि भाई कैसी लग रही है, और इसकी कॉस्ट भी मैं आपको बताऊँगा कितनी पड़ती है, अराउंड $40 के आसपास शायद इसकी कॉस्ट है। तो भाई जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी
प्लेस है बैठने बैठने की, लाइक यहाँ पे आप बड़े आराम से पिक्चर्स एंड ऑल ये सब क्लिक करवा सकते हो और मतलब इन्जॉय कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो। मतलब आप फेरी भी है जो मैंने बताया था ना, वो केबल कार वो इसी एरिया से है। तो ये सबसे हिल, मतलब ये इन्होंने ना हिल पे बना रखा है पूरा का पूरा, मतलब ये हिल टॉप पे बना रखा है। तो दैट्स व्हाई वी लाइक क्या कहते हैं यहाँ से जाने का है, मतलब लाइक पूरा अप्स एंड डाउन दिखाऊंगा, वो व्यू भी दिखाऊंगा। इस पर उस तरफ सी भी है, और इसके बारे में मेरे को यहाँ पता लगा, यहाँ पे जितने भी बीचेज हैं वाले ये सब मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, मतलब बाय नेचर नहीं बनाया हुआ है। ये इनका केबल कार्ट वाला ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ऐसे केबल कार्ट्स आती है और एक एक करके जाते रहती है, और इसको लाइक कार्टून ही थोड़ा सा ट्यून भी रखा है, मतलब जैसे पोकी बॉल टाइप लाइक पोकेमोन वाला थोड़ा सा ट्यून आउट कर रखा है, तो मतलब ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और जो लोग आ रहे हैं उनमें भी इंटरेस्टिंग लगे। अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, मतलब बढ़िया पूरा ऊपर का व्यू दिखता है इसमें, कितनी ऊपर है इसमें। अपना इंडिया ना हो सकता इतना भाई, हो सब सकता है। फर्स्ट स्टेशन है, सिर्फ दुकान बना रहा है, कितने और हमें उतरना थर्ड स्टेशन पे, उतरना नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेशन है, ऐसे क्रूज है उधर नीचे, क्रूज नहीं। थैंक यू। अच्छा ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला पूरा ऊपर जा रहा है, बोला नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा है, मतलब वही ऐसे सही है भाई, तो बहुत प्यारा है, नीचे देखो नीचे, ये वाटर पार्क है, कल आएंगे और उनको सामने। तो ऐसे ही भाई अब ये करते करते हम सेंटोसा आइलैंड पहुंच गए, मतलब आपको इसके अंदर स्क्रीन में दिख जाएगा कि सेंटोसा आइलैंड कहाँ है। सेंटोसा आइलैंड जाने का सिर्फ एक ये इकलौता रास्ता है जो है केबल कार्ड, तो केबल कार्ड से ही आप सिर्फ सेंटोसा आइलैंड आ सकते हो। और यहाँ के पैकेजेस डिफरेंट डिफरेंट है, पहले तो ग्रुप पैकेज में इंक्लूडेड था, बट वही होगा यार $40-$50 के आसपास होता है यहाँ पर। इन स्टेशन पर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शॉप्स बनी हुई हैं, पर ये बहुत महंगी महंगी शॉप है, लाइक $25-$25 की सारे सनग्लासेस हैं, एंड लाइक ये सब बहुत महंगा महंगा है, यहाँ पर लेने को ले सकते हो बट आई डोंट प्रेफर। तो भाई ये है एंट्री सेंटोसा आइलैंड की, मतलब यहाँ से इस गेट से निकल के आप सीधा यहाँ जाते हो और यहाँ से पूरा आइलैंड शुरू हो जाता है, आपको जो करना है आप अंदर जाके, बहुत बड़ा आइलैंड है, आप कुछ भी कर सकते हो। और अडल्ट के टिकट $20 $17 है यहाँ पर सेंटोसा आइलैंड पे। तो गाइस देखो यहाँ पे कौन है, शाहरुख खान ओवर हियर, लाइक किसी दूसरी कंट्री में अपने हीरोज़ का होना बहुत अच्छी बात होती है। तो शाहरुख खान का पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हैं जिनके पोस्टर्स लगे हुए जो आईफा में अवार्ड्स जीत चुके हैं। दिस इज़ द म्यूजियम आई थिंक सो, द कैरेक्टर्स जहाँ पे आप लोग देखते हो ना कि डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, तो वो हैं मतलब एक उनके मॉडल्स खड़े हुए हैं, तो वो वाला म्यूजियम है, मतलब बहुत अच्छा होता है वाला म्यूजियम, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। So guys, ये है कुछ अंदर से ऐसा लाइक पूरा एक थीम टाइप से बना रखा है, कुछ थीम ये भाई कैप्चरिंग रूम, लाइक एक पूरा एक स्टूडियो की तरह बना रखा है, और आप आओ देखो पूरा अंदर इसकी टिकट विकेट पे करिए, लाइक इट्स वेरी अफोर्डेबल। काफ़ी कुछ इंडिया से रिलेटेड है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो मतलब इंडियन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ रियल रियल बना रखा है, रियल रियल दिखाने की कोशिश करी गई है कि भाई हाँ रियलिटी बेस चलते रहो। जंगल टाइप बना रखा है, जिससे मेरे को फोन में टॉर्च मारनी पड़ रही है यहाँ पे। Oh, nice. Beside me, the phantom of that Molly, yeah.
पूरा का पूरा सिंगापुर कल्चर पे बना हुआ है, लाइक सिंगापुर कल्चर इसमें शो किया गया है। लाइक देखो सिंगापुर में कैसे कैसे कल्चर्स हैं, वो सब पूरा का पूरा शो किया गया है। और अब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है तो मैं बोल नहीं सकता, ज़्यादा था कम कम बोल के ही आपको समझा रहा हूँ। हाँ, दिस इज़ एन इंडियन थीम टाइप ओल्ड जनरेशन मूवी थिएटर्स। हाँ भाई, क्या हाल है? ये काफी रियल मतलब लग रही है, काफी डिफाइंड एंड डिटेल्ड है। अगर देखा जाए तो आंखों की पुतलियों के अंदर भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे वी हैव डिफरेंट लीडर्स, वी हैव डिफरेंट लीडर्स ओवर हियर, लाइक महात्मा गांधी आपसे मेरे पता है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, डिफरेंट लीडर्स वी हैव। मोदी जी बहुत बढ़िया, आप देश की तरक्की में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें आपसे यही उम्मीद है, आप ऐसे ही करते रहेंगे आगे तक। दिस एरिया इज फॉर लाइक स्पोर्ट्स, वहाँ पे हमारे सचिन तेंदुलकर, बास्केटबॉल को बहुत फॉलो करता हूँ। Here we have a game, like we have to kick the ball inside that. और अब देखो गेम होता है यहाँ से स्टार्ट, आई कैन हुआ नहीं हुआ हाँ, खिलाओ खिलाओ कुछ खिलाओ, क्या रखे है? दो प्यार की बातें करो। मान लिया। दिस इज द हार्ली डेविडसन ऑफ यू नो हिम, मैं चैनल फॉलो करता हूं, मुझे तो पता है आर्नोल्ड। यू कैन इनफिनिटी, यू कैन और के बारे में। He is the legend of bodybuilding, and of the movies me. The most handsome man of India, Hrithik Roshan. Oh my god. And the queen. He is the king of Bollywood, right? Shah Rukh Khan. Like sexiest, right? This is my favorite studio over here, Marvel Studio. Marvel Studio ke andar chalte hain, dekhte hain apne favorite superheroes ko. Marvel show, we are in a Marvel show. Marvel show dikhata tumhe. वर्थ इट जगह है यार, जो मतलब जो लोग शौकीन है ना अपनी अपनी चीज़ों के, तो वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ वेरी गुड प्लेस, लाइक आई लाइक इट, मज़ा आया यहाँ पे भाई लिटरली बहुत। और काफ़ी सारी चीज़ें देखी अंदर, शोज देखे 3D वाले, और मैं भी कहूँगा कि हाँ आप यहाँ आ सकते हो, घूम सकते हो, मौज कर सकते हो। पर हाँ, पैसे ठुक के लगते हैं भाई, मतलब अगर आपको सिंगापुर घूमना ना, तो मिनिमम करेंसी जो आपको एक्सचेंज करानी चाहिए सिर्फ घूमना फिरना, तो कम से कम यू नीड अबाउट $1,000 मिनिमम है। $1,000 तो आपको चाहिए चाहिए पूरा सिंगापुर घूमने के लिए, मतलब कहीं नहीं गए। 40-50 55,000 रुपये ना आपके कहीं नहीं
मतलब लगने ही लगने हैं कि आपको चीज़ें एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के हिसाब से चीज़ें काफ़ी कॉस्टली है, पर इन लोगों के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, बट कॉस्टली तो है हमारे लिए तो है। मेरा तो कैमरा भी यहाँ पे ISO मेंटेन नहीं कर पा रहा भाई, मतलब बहुत अजीब सा ही वेदर है कि ऊपर नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा वेदर जो है, और धूप आ रही है, मुँह पे पड़ रही है बिल्कुल ही। बट देखा जाए तो काफ़ी प्लीजेंट है, मतलब आप आ सकते हो, मतलब एक टी शर्ट में, नॉर्मल टी शर्ट में इतना पसीना भी नहीं आता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम है, क्योंकि सब चीज़ तो यहाँ पे क्या कहते हैं मैन मेड है, कुछ भी नेचुरल है ही नहीं, हर एक चीज़ मैन मेड है यहाँ पे, हर एक चीज़, मतलब ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स को छोड़ के, बट हर एक चीज़ मैन मेड है, आइलैंड हो गया, बीचेस हो गए, हर एक चीज़। तो पीछे वो सांप वाला शो रहा था, आप सभी ने देखा भाई, वो जानबूझ के मैंने नहीं किया, क्योंकि लाइक ये शोज़ क्या करते हैं यार, एनिमल्स की ना ऐसे ऐसी करके रखते हैं, मतलब बिल्कुल ही मरी हालत में, कोई फूड नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, और बहुत बेहोशी वाली हालत में रखते हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर सके, कुछ कुछ कर भी ना सके। तो ये चीज़ें अब आप जाओगे उसके पास, फ़ोटो खिंचवाओगे, उसे पैसे दोगे, तो वो क्या करेगा, वो उसे प्रमोट करेगा, मतलब वो आगे 10 लोगों को बोलेगा आप भी भाई ऐसे ऐसे एनिमल्स पकड़ो और फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ लोगों की, तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने राइट्स होते हैं पर्सनली बेसिकली, तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती है कि ये प्रमोट करती हैं बेसिकली, कि आप एनिमल्स को पकड़ो और क्या कहते हैं भाई उन्हें, उनसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ, ये सब, तो मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, और ये सब एनिमल के राइट्स के लिए अच्छा नहीं है। बट हाँ, उसकी भी मजबूरी है भाई, वो गरीब है और वो ऐसे काम कर रहा है।